दुकान बंद करके बाइक से घर वापस लौट रहे रेडीमेड कारोबारी का रास्ते से अपहरण कर लिया गया। बाइक सवार कारोबारी को गाड़ी से टक्कर मारकर गिराया गया और इसके बाद उसी गाड़ी में अपहरण कर लिया गया। मंगलवार की सरे शाम हुई इस तरह की वारदात से समूचे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी केशव चंद्र गोस्वामी, एएसपी पूर्वी नपेंद्र कुमार एवं सीओ हरपालपुर विनोद कुमार दुबे सीधे मौके पर पहुंचे। कारोबारी का पता लगाने के लिए पुलिस के अलावा एसओजी टीम को लगाया गया है। वहीं पुलिस अफसर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बताते चले कि पाली थाने के बारी गांव निवासी श्यामजी मिश्रा पुत्र नन्हेलाल मिश्रा रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करते हैं। मंगलवार शाम को वह अपनी दुकान बंद कर रोज की तरह बाइक से वापस घर लौट रहे थे। उसी बीच रास्ते में बारी और किलकिली गांव के बीच में कारोबारी श्यामजी मिश्रा की बाइक में किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी और जिससे वह गिर पड़ा। उसी बीच गाड़ी सवार लोग उसका अपहरण कर उसे ले गए। काफी देर तक जब श्यामजी अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वाले परेशान हो गए और उसकी तलाश करने के लिए पहुंचे। इसी बीच जहां पर वारदात हुई वहां श्यामजी की बाइक पड़ी हुई थी। पास में एक जूता और चश्मा भी पड़ा हुआ मिला। इसका पता चलते ही एसएचओ पाली अरविंद कुमार राय अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। साथ ही एसपी केशव चंद्र गोस्वामी, एएसपी पूर्वी नपेंद्र कुमार और सीओ हरपालपुर विनोद कुमार दुबे भी मौके पर पहुंचे और सारे मामले की छानबीन करना शुरू कर दी। एसपी श्री गोस्वामी के निर्देश पर खुलासे के लिए एसओजी टीम को लगाया गया है। वहीं पाली पुलिस भी जांच कर रही है और इधर रेडीमेड कारोबारी श्यामजी के घर वाले किसी अनहोनी को लेकर काफी डरे हुए हैं। एएसपी पूर्वी नपेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है और जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। प्रभारी सीओ शहबाज श्री दुबे का कहना है कि सारे मामले पर गहरी नजर रखी जा रही है। अफसर वारदात से जुड़े पहलुओं की लगातार अपडेट ले रहे हैं और इधर एसओजी टीम भी क्लू ढूंढ रही है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। मैं नृपेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद हरदोई। ये मामला थाना पाली के ग्राम बारी का है, जहां पर 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि रामजी मिश्रा, जो कि कपड़े की दुकान करते हैं, और वो अपने दुकान पर मोटरसाइकिल से गए थे और फिर वहां से घर नहीं लौटे हैं। उपरोक्त मामले में थाना स्थानीय स्तर पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें कई टीमों को लगाया गया है। जल्द ही सकुशल आपातकालीन बाबरी कर ली जाएगी।